एकनाथ शिंदे गुट में विरोध की सुगबुगाहट इस वक्त की बड़ी खबर। बता दें महाराष्ट्र सरकार में नई मुश्किल जगह लेती दिख रही है। खबर है कि मंत्री बने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायक अपने विभागों से खुश नहीं हैं, जिसको लेकर शिंदे गुट में एक बार फिर बगावत के आसार दिखाई दे रहे हैं। इधर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने विधायकों के विभागों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। बीते दिन शनिवार को मंत्रियों को विभागों का आवंटन किया गया है। उन्होंने बीते दिन शनिवार को मंत्रियों के विभागों का आवंटन किया था। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार शिंदे गुट के कुछ विधायक विभागों से खुश है। रिपोर्ट में अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अधिकांश विधायक डिमोशन से नाराज। खबर है कि दादा भूसे और संदीपन भुमरे ने सरकार में अपने विभागों को लेकर शिकायत की है। इसके अलावा सिलोद विधायक अब्दुल सत्तार को कृषि मंत्रालय दिए जाने को लेकर भी कुछ सदस्यों को नाराज होने की खबरें हैं। एक और जहां भुमरे को रोजगार गारंटी योजना और हॉर्टिकल्चर विभाग दिए गए हैं, तो वहीं ठाकरे सरकार में कृषि मंत्री रहे भूसे को पोर्ट्स और माइनिंग विभाग दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इसके अलावा शिंदे गुट के विधायक भाजपा को बड़े विभाग मिलने से भी नाराज हैं। भाजपा के खाते में वित्त, राजस्व, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, पर्यटन जैसे विभाग आए हैं। वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना में मंत्रियों को विभागों के आवंटन पर भी सवाल उठाए गए हैं। पार्टी का कहना है कि भाजपा ने शिंदे गुट के विधायकों का मजाक बना दिया है। लेख में दावा किया गया है कि भाजपा ने सभी बड़े मंत्रालय अपने हिस्से में कर लिए हैं, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सामना में की गई आलोचना पर भी सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर सीएम शिंदे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि इस बात से सीएम शिंदे का कहना है कि विभाग जरूरी नहीं है, काम और जिम्मेदारी जरूरी है। व्यक्ति को आवंटित किए गए विभागों के साथ न्याय करना चाहिए। एक मंत्री केवल अपने विभाग से ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का मुखिया होता है। पूर्ण विकास और राज्य की प्रगति के लिए काम करना उसकी जिम्मेदारी होती है। न्यूज डेस्क के साथ जे न्यूज 24 की रिपोर्ट।